चलो बस फटाफट चल के। हाँ नहीं, लॉक ले लो ना, चाबी ताला ले लो, ये ताला लेके डालो। आओ नन्या, तुम आओ नीचे, चलो आओ, चलो प्रखर आओ नीचे, आओ चलो चलो बस चलो नीचे चलो फटाफट। बस स्टैंड चलोगे क्या? हाँ जी, बस स्टैंड से फिर हमें अलग से करना पड़ेगा। सनसेट पॉइंट तक तो आपकी टैक्सी आएगी नहीं? देखता हूँ मैं, अगर जाएगी तो ले जाऊंगा उसमें। पहली बार आई हो आप क्या? नहीं नहीं, पहले जाती थी, अभी वो पार्किंग बना दिया ना, बंद कर दिया था। अच्छा अच्छा। ये सामने मोहन मेकिन की डिस्टिलरी है और ये रोड प्राइवेट है, तो आगे रोड जाती नहीं है, तो यहाँ से टर्न करके अब चलेंगे सनसेट पॉइंट के लिए। दोस्तों आज हम ऐसे हिल स्टेशन में घूम रहे हैं जो चंडीगढ़ के बहुत ही नियरेस्ट है, उसको चंडीगढ़ का पिकनिक स्पॉट अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कसौली के एक सुंदर व्यू के साथ हम आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल देव समीर द ट्रैवलर में। होप आप सब अच्छे होंगे और हमारे तरह जीवन का पल पल आनंद दे रहे हैं। ये गाड़ी को अच्छा आगे बस टर्न हो रही है और यहाँ पर आकर पहाड़ों पर हमको पेशेंस बहुत सीखने मिलता है। यहाँ पर कोई भी आदमी जनरली रॉन्ग साइड से नहीं जाता है, ट्रैफिक क्लियर होने का वेट करता है, जिससे अगर जाम भी लगता है तो बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। ये कसौली के बस स्टैंड हम आ गए हैं, यहाँ पर गाड़ी पार करके और यहाँ से हम लोग पैदल जाएंगे। अब पार्किंग से बाहर निकल के राइट साइड में माल रोड की ओर और आगे ये मेजर ध्यानचंद हॉकी के जो जादूगर थे उनका स्टैचू है। यहाँ से लेफ्ट साइड के सनसेट पॉइंट के लिए और राइट साइड ये हेरिटेज मार्केट की ओर रास्ता जाता है, तो हम लोग लेफ्ट चलेंगे सनसेट पॉइंट के लिए। ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, लेफ्ट साइड में गिल्बर्ट हाउस, गार्डन हाउस, हॉलीडे हाउस, सनसेट पॉइंट और कसौली क्लब एवं CRI के लिए रास्ता जाता है। हाय भूषण। हेलो अनन्या। हाय अनीता। हाय चंदा। कहाँ जा रही हैं? घूमने कसौली। कसौली तो आ गए हैं। सनसेट पता ही नहीं है। ये सायरन बज रहा है, पता नहीं किस चीज का है, इनसे पूछते हैं सायरन किस बात का है। ये सायरन किस बात का है? सायरन तो पता नहीं, टाइम भी नहीं है। हाँ बता कितना ऊपर है? 5,960 feet from where? From mean sea level. अरे 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 शेर आएगा, गिरे बिगर आएगा। दीदी कौन सा डॉग है? जर्मन शेफर्ड। क्या सनसेट पॉइंट हो के आ रहे हैं? सनसेट हो गया क्या? अभी नहीं, अभी टाइम है। तो यहाँ जाने में कितना टाइम लगेगा? 15-20 मिनट। स्विमिंग में क्या करते हैं? नाक से लेते हैं, मुंह से छोड़ते हैं। जब हिल्स पे जाओ तो मुंह से सांस लो, नाक से छोड़ो, थकान बिल्कुल नहीं आएगी, जितना भी चलना है चले जाओगी। आराम से 1.5 किलोमीटर है आप साइड, आप पैदल जा सकते हैं। वैसे यहाँ टैक्सी भी मिलती है जो सारे पॉइंट कवर कराती हैं। ये कसौली क्लब है, बहुत सुंदर है कसौली क्लब, और ये इसकी सफिशिएंट पार्किंग है यहाँ पर। हम लोग अब सनसेट पॉइंट लग रहा आ गए क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग यहीं पर खड़े हुए हैं। व्हाट अ व्यू। इन हिल्स इट इज़ ए फैशन टू वॉक नॉट राइड इन कार, कीप कसौली नीट एंड क्लीन। 50 मीटर
50 मीटर तो कुछ नहीं हुआ। मम्मी आगे से ऊपर गई हैं, मम्मी ऊपर से गई हैं। चलिए हम लोग इधर से आते हैं। एक रास्ता सनसेट पॉइंट के लिए उधर जा रहा है, रोड पक्की बनी हुई थी और ये थोड़ी सी ऑफ रोड है तो, लेकिन इधर व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। इधर देखिए, इधर वैली व्यू है, सामने से देखिए सनसेट के टाइम ही बहुत अच्छा सुंदर दिखाई दे रहा है। पीछे जो पॉइंट था जहाँ पर हम लोग रुके थे वो मेन सनसेट पॉइंट नहीं था, सनसेट वहाँ से भी दिखता है, अच्छा दिखता है, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा लोग जाते हैं और जो उसको मेन सनसेट पॉइंट कहा जाता है वो हम जा रहे हैं। मेरी मानिए तो इधर से जाइएगा और ये बहुत ही सुंदर यहाँ से दिखाई पड़ता है और इधर से सनसेट की जो रेज आ रही हैं पेड़ों के अंदर से निकलती हुई, ये बहुत अच्छी लग रही हैं और वेरियस कलर्स ऑफ सनसेट आप यहाँ देखते हैं। ये देखिए कलर्स ऑफ सनसेट। पत्तियों के अंदर से जो गोल्डन लाइट छन के आ रही है बहुत ही ऑसम लग रही है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है, ऐसे खूबसूरती को आप शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। खूबसूरती फील करने वाली चीज़ होती है। जब हम खूबसूरती का एक चीज़ का वर्णन करते हैं तो वो शब्दों में बंद रह जाती है और वो सीमित हो जाती है, तो उसको असीमित रहने दिया जाए। यहाँ पर बच्चों के लिए झूले भी लगे हुए हैं और देख लीजिए झूल रहे हैं, बड़े बच्चे हैं लेकिन फिर भी क्या हुआ, दिल तो बच्चा है जी। ये हमारे बड़े भाई द ट्रैवलर वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए। इन्हीं कुछ सुंदर से पिक्स के साथ हम आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए देव समीर द ट्रैवलर। ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और हाँ शेयर भी कीजिए।